आपको सुसाइड करना है ना, सर आप कीजिए सर सुसाइड सर, लेकिन सुसाइड करने से पहले आप सिर्फ एक बार आप सोचिए कि आप सुसाइड क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। सर मैं जानता हूं सर आपका बिजनेस में बहुत ज्यादा आपका लॉस हो चुका है, 20,000 crores में से सिर्फ 20 crores अभी आपके पास अभी बचे। सर मैं जानता हूं आपकी सारी मिल्स, आपकी सारी फैक्ट्री, आपकी सारी कंपनीज बंद हो चुकी है, आपके सारे एसेट्स सारे लाइबिलिटीज भी जा चुके, आपके पास अभी कुछ नहीं बचा, सिर्फ 20 करोड़ है आपके पास सर। लेकिन अभी भी आपके पास सर 20 करोड़ है सर। आप ये बार बार जो कहते हो ना कि सब कुछ खत्म हुआ है, हम बर्बाद हो गए, हम रास्ते पे आ गए, सर तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी तक रास्ते पे सर नहीं आ चुके हो, अभी तक तो कुछ भी सर खत्म नहीं हुआ है। सर आपको पता है रास्ते पे आने का मतलब सर क्या होता है? सर रास्ते पे आने का सर मतलब ये होता है कि आपके पास सर कुछ नहीं बचा, एक रुपया तक आपके पास नहीं, इसका मतलब होता है सर रास्ते पे आना। आपके पास सर अभी भी सर 20 करोड़ है, 20 करोड़ है सर, 20 करोड़। मैं जानता हूं सर, मैं जानता हूं आपके नजरिए से 20 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं है, आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो 20 करोड़ मतलब उसकी वैल्यू मतलब जीरो है आपके हिसाब से, मैं जानता हूं सर। सर लेकिन 20 करोड़ मतलब सर छोटी अमाउंट नहीं होती है सर। सर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 20 करोड़ कमाना मतलब एक ड्रीम होता है सर, एक सपना होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली अगर 3 जनरेशन भी अगर मेहनत अगर करे ना तो भी सर 20 करोड़ से कमा नहीं पाते। मैं जानता हूं सर अभी तक आपने जो लाइफ जो जिए वो लग्जरियस लाइफ थी, आई एम सॉरी अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ थी, और शायद इसके आगे आप वैसी लाइफ आप नहीं जी पाओगे, मैं जानता हूं सर। सर लेकिन एटलीस्ट आप शुरुआत तो सर कर सकते हो ना सर। 20 करोड़ मतलब छोटी अमाउंट नहीं है सर, आप इतने अच्छे से बिजनेसमैन हो, आपके जैसा इंसान तो मैंने आज तक नहीं मैंने देखा है। आपको पता है मैं आपको भगवान मानता हूं, क्यों पता है? आपके जगह पे अगर कोई दूसरा अगर कोई बिजनेसमैन अगर होता ना तो सारे पैसे लेकर भाग जाता, लेकिन आपने वैसा सर किया नहीं। आपके कंपनी के ऊपर इतना सारा डेब्ट था, इतने सारे लोगों से आपने लोन लिया था, आपने सब कुछ सर चुका दिया, किसी का एक रुपया आपने नहीं रखा। सर इसी से ही समझ में आती है आपकी अच्छाई, आप सिर्फ एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो सर, हाँ अच्छे बिजनेसमैन के साथ आप एक अच्छे इंसान भी हो सर। हम आपके साथ है ना, हम आपकी सर साथ देंगे ना, आप क्यों सर इतना से चिंता करते हो सर? 20 करोड़ से हम फिर से एक नया हम बिजनेस स्टार्ट सर कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट सर। लेकिन आपको एक मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप फिर से ये सुसाइड करने के बारे में आप नहीं सोचोगे। ऑलराइट सर, सर आप प्लीज सर मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये आपका बड़प्पन है सर।